संगवारी हो, जय जोहार। मैं कन्हई राम बंजारा आज ग्राम जजगी विकासखंड उदयपुर जिला सरगुजा के गांव में पहुंचे हूं और यहां एक वैद्यराज जी हैं और इकर से मोर मुलाकात हुई। आप सब जन जानत है कि वैद्यराज भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के माध्यम से बड़े बीमारी के इलाज करत हैं और लोग मन ला स्वस्थ करत हैं। तो ये हिसाब से आज मैं वैद्यराज जी के यहाँ पहुँचे और इकर से मुलाकात हुई, अपन पूरा जड़ी बूटी के बारे में बताइन और ये पूरा आप मन के सामने रखी है। तो आवा में ऐसा एक वैद्यराज हैं जो कई वर्षों से आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के माध्यम से, जंगली जड़ी बूटी के माध्यम से लोग मन ला स्वस्थ करत हैं और कई तरह के बीमारी के इलाज करते हैं और लोग मन ठीक होवत हैं, ऐसे ही कर कहना है। और लोग मन अच्छा जीवन यापन करते हैं इकर जड़ी बूटी के खुराक लेके। तो आवा में ऐसे एक वैद्य जी हैं जिकर से मैं आप मन ला मुलाकात करात हूँ। वैद्य जी जय जोहार। जय जोहार। आप मन के परिचय बता दीजिए। हाँ सर, मेरा नाम भरन दास है, मैं वैद्यराज हूँ। हाँ, मैं ग्राम पंचायत जजगी जजगी का हूँ। अच्छा। हाँ, तो अजय इतना अकन जड़ी बूटी दिखाए हैं और ये सब लाइन लगा करके अलग अलग प्रकार के जड़ी बूटी रखे हैं, ये कर खोजबीन कहाँ ले करते, कहाँ ले जड़ी बूटी मिले? नहीं सर, जंगल से लाते हैं हम। अच्छा। और जंगल से काम कर रहे हैं। हाँ, एक दूसरे को जंगल से जड़ी अपने ज्ञान से। अच्छा, कर रहा हूँ। हाँ, का बीमारी के इलाज करता वाला बते सुनावा हमारे दर्शक मन। सर, तो अभी बहुत बड़ा इलाज है, काहे कि हम बड़े बड़े इलाज ला बचे बचे रख दे हन कि गा सरगुजा में टीबी, दमा, बाबा सिर, मासिक धर्म और तुम्हार कि बाल में झड़त है, चुंदी उंदी खौरा होत है, देह में खौरा होत है, मतलब गठिया बाद एक मतलब तुहर की आलसर जो कि शरीर में नहीं कहते आलसर आलसर। तो सर कहे मतलब हमन जग बहुत बड़ा इलाज है कीदा। तो ये जो टीबी बीमारी मन ला इलाज कर सके, कई दिन में ठीक कर देता टीबी ला? सर, टीबी खून उल गए तेला 3 दिन में खून मरे दे था। अच्छा। लेकिन 90 दिन सर वाला खाना पड़े दवा ला। हाँ ठीक। और जैसे समझ मन मासिक धर्म होल ना सर, तो दोनों टाइम में हो जाओ कि जब 15-15 दिन में तो और बीमारी बन तो सरगुजा में वाला पैर छुट्टी कर। अच्छा। तो और सर 3 दिन में वाला मरे देखा बच्चादानी। अच्छा। बच्चादानी में कोई खराबी हो जाएगी ना कैंसर टाइप के। हाँ। हम 3 दिन में मरा था लेकिन सब दवा 90 दिन वाला 90 दिन खवा था। अच्छा। हाँ सर, लीवर में हो पथरी कहीं जगह ऑपरेशन करे जरूर। हाँ, लीवर में कोई जगह पथरी हो जाए सर, कन्हा में, कमर में, कोठा में कोई जगह पथरी, हमन वाला 3-4 दिन में ओकर पथरी हटे देखन लेकिन 90 दिन दवा खिला। अच्छा। हाँ सर, ये जो जड़ी बूटी से आयुर्वेदिक इलाज कितना दिन से करा था? तो आज मोला सर कम से कम दिमाग का लगे ना सर, मोला आज 60 साल होगी, तो 60 साल में 50-55 हो रहा है सर। अच्छा। तो इतना दिन से लोग मन के इलाज कर रहा था और कितना मरीज ला ठीक कर रहा है? बहुत मरीज ला ठीक कर रहे हैं हम, कुछ गिनती आंकड़ा है? बहुत आंकड़ा है। हाँ। जगह जगह आंकड़ा मांगेंगे तो जगह जगह का देंगे सर। अच्छा। और ये जो जड़ी बूटी के बात ला कोनो जले ट्रेनिंग करके आए रहा कि अपन मन से सीखा कि कोनो सियान मन से देख के सीखे रहा है? थोड़ा सा यार परंपरा आए लगी, तो परंपरा भी है। अच्छा। एक मतलब रायपुर भी गए रहे न मन। हाँ। जंगल विभाग से थोड़ा ट्रेनिंग लिए। अच्छा। हाँ सर। हाँ। तो वन विभाग के जो ट्रेनिंग में गए रहा रायपुर। हाँ सर। उकर वहाँ का सीखे ले मिले तुम्हारा? बहुत दिन हम ला। अच्छा। जड़ी बूटी ला कहीं की पूरा मत खनिया मत कोरिया। हाँ। थोड़ा थोड़ा छाली लिया तो एक प्लाट लिया। हाँ। जेर ले लिया तो थोड़ा झाड़ी लखनिया। अच्छा। यही सब करें में आधा पौधा हर सुरक्षित रहे। हाँ। उकर आधा ला लेना लेना है ताकि वो जो आयुर्वेदिक पौधा है उकर जीवन सुरक्षित रहे ताकि आगे चल के। हाँ सर। और जड़ी बूटी मिल सके मिल सके। हाँ हाँ। मन के कहना कार इतना सर कि अगर हमन पूरा जड़ी बूटी ला खपेट खान ले लेबो तो हमार जंगल हर खत्म हो जाई, वहाँ जड़ी बूटी के मात्रे खत्म हो जाये। तो मन कहें की भाई थोड़ा थारी थोड़ा उसको जीवन बचाओ, थोड़ा आगे एक झाड़ी ला हम छोड़े ले टीके देवो तो पूरा छोड़ देवो तो नहीं मर जाये। टिकर का सोमन अच्छा अच्छा तरीका बताए। अच्छा। और सर वो मुख्यमंत्री भूकेश बघेल आए रही, तो भूकेश बघेल बरनदास को आगे कर दिए हैं। अच्छा। हाँ हाँ ठीक ठीक। 8,900 वैद्य हम लोग वहाँ ट्रेनिंग में था सर, तो वहाँ भूकेश बघेल मेरे को आगे किए हैं। ठीक ठीक। और कह रहे थे वो कि
मैं सबको तो नहीं, लेकिन मेरा जो आगे है उसको तो कुछ ना कुछ कर दूंगा। ऐसे तो अभी तक ये जो वैद्य राज मनकर बहुत सारा योजना निकाली है भूपेश सरकार, एको को योजना कर लाभ मिली से? तो सारे मन तो बोल देते हैं लेकिन कोई लाभ नहीं देते। वैद्य राज मनकर कुछ योजना के तहत कुछ नहीं सर जोड़े के प्रयास है उकर, ताकि आगे वैद्य राज मन एक अच्छा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के संग्रहण करें और लोग मन के स्वास्थ्य पर काम करें, जड़ी बूटी का संग्रहण केंद्र तक पहुंचाए, शासन प्रशासन तक, ऐसा कुछ योजना से जुड़े हैं अभी तक? हाँ सर, सुना ना एक मिनट। हाँ, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहीन, हमार बीच में गए रहीन, तो कहीं कुछ ना कुछ कर दूंगा इसे। अच्छा। तो आज तक तो कुछ नहीं करी ने। हाँ, तो कहा चाहता था मुख्यमंत्री से कि हमारा ऐसा होती ऐसा कर देती तो हम लोग अच्छा लाभ मिलते। हाँ सर, तो मोर कोई नहीं है ना। हाँ। तो मोर बस कुछ ना कुछ थोड़ा आगे बढ़ाए बर पूंजी पत्र कह देती। हाँ। ऐसे कहे बर मैं भेज रहे हैं। अच्छा। ताकि मैं जीवन एक दूसरे का बचाऊ, मोर इस बारे में कि मैं एक दूसरे का जीवन को मैं बचाऊ। कोई सहकार नहीं है नाती उड़ा। हाँ हाँ, नाती की जरूरत नहीं। तो आज का ये जो जितना दवा दिखाए है, इमन कर नाव बते सुनावा का कहा है इमन, यानी हाथ लगाए के बस। हाँ मरे था तो ना है सर, यहाँ का नाव है हमारे सरगुजा में चिरपोटी का था नाम। अच्छा, अब ये चिरपोटी है बहुत बड़ा काम में आए। ठीक ठीक, ये कर का नाव है सर? ये हमारे बाम्बुर कथन तो हमारे सरगुजा में बामरी कथन। बामरी जी सर। ठीक ठीक ठीक, ये कहा है? ये हमन छीन कथन। लेकिन हमारे सरगुजा मेला नींद बनाया ना। अच्छा, ये जर छींद के जेर है कि पता ही है? जेर पता ही है सर। ठीक ठीक, यह का हवे? यह हवे सर भुईलेम। अच्छा, और भुईलेम जो है सर बुखार उखार के लिए काम आए, ताकि कोई लहड्डी में बुखार चिड़ गई से है तो हमन ठीक कर लेता था। ठीक ठीक, ये इमन हर का है? हमारे जंगली में करुआ कांदा का था सरगुजा में, लेकिन एक मूल नाम कांदा है। अच्छा। जेठी कांदा। तो सर यार बहुत प्रकार के काम में आये। हाँ। भूख नहीं उठाए पहले भूख में खवाबा। हाँ। एक मतलब कोई ला पीलिया कोई ला बुखार ऐसे करके आई से चले रोज एक टाइम खिलावा सवेरे। हाँ सर। ठीक ठीक, तो हमार देखोया साथी मन जेमन घर कोई भी समस्या हुई दुख बीमारी सर, जैसे टीबी हो गई, दमा हो गई, मासिक धर्म ला लेकर के कोई समस्या हुई महिला मन ला, लीवर में पथरी के प्रॉब्लम हुई, और काका बताए छोटे मोटे अभी कैंसर हो गई ना सर। हाँ। बचा लूंगा मुंह में। अच्छा, अल्सर हो गया है बचा लूंगा। अच्छा, तो ये बीमारी का इलाज कराए बर तुम्हारे जगह ही? हाँ सर। लोग मन? हाँ, तो ओमन ला ये जगह रात रहना पड़ी कि दवा लेके चले जाही? अपन दवा लेके चलते हैं, काबर रखा। अच्छा ठीक ठीक, जगह सुविधा मिलती रही सकती है। हाँ हाँ, तो बहुत सुगर बातचीत हुई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में, इसने अच्छा अच्छा दवा के खोज करत रहा और बड़े से बड़े बीमारी के इलाज करा, जिसमें हमारे देखोया सुनोया मन भी आप मन जगह ही इलाज करवाही। और सर एक मिनट, जो आदमी फूल गया है, डॉक ने फूल गया है, उस आदमी को तत्काल में बचा लूंगा। अच्छा, जैसे फूल ले जाते हैं धार मूल फूल जाता है तो सबको मैं एक सेकंड में बचा लूंगा सर। अच्छा हाँ, और सर एक मिनट, जैसे कहते हैं कि बच्चा दानी में समझ लूंगा। हाँ। मान कोई एक्शन हो गया है। हाँ। तो सर वो मेरे पास गारंटी का दवा। ठीक ठीक, खून रुक गई, खून रुक गया है उसको भी साफ करने के लिए आपको दूंगा मैं। इसको अमर ताल बोलते हैं। अच्छा, सरगुजा में बम्बूसरी बोलते हैं। बम्बूसरी। ठीक ठीक, और इसका नाम अमर ताल है सर। हाँ, अमर ताल जो है का काम करता है ना सर, किसी का फोटा में जाम हो गया पेट में गंदा, तो इसको पीस के एक चम्मच पिला दीजिए, दो दिन पूरा कुछ साफ कर देगा। अच्छा, तो चला बहुत सुधर बात बताया, इतना इतना जड़ी बूटी के संग्रहण करे है और आयुर्वेदिक दवा से लोग मन की इलाज करे था, लोग मन के स्वास्थ्य लाभ पर लगातार प्रयासरत है। आए जबर सुधर गोट बात कही, और हमारे सुनैया संगवारी मन से भी मोर यही निवेदन है कि इकर से जरूर संपर्क करिए कोई भी बीमारी तकलीफ हो तो। ग्राम जजगी विकासखंड उदयपुर जिला सरगुजा के रहैया है, जजगी में शिव मंदिर या इकर घर है, इकर नाम है श्री वरण दास, इकर जगह के सीधे मिल करके और अपन बीमारी के बाद लबते के और इलाज करवाए सकते हैं।
आज इकर से अपमन से बातचीत हुई, बड़ा सुगर बातचीत बताया जी सर। और लेहत हूँ तुम्हारे विदा, मोर कहती जय जोहार।